खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के नाम पर भारत और कनाडा में तनाव चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा के उकसावे के बाद कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लग रहा है कि ये विवाद जल्दी खत्म होने नहीं जा रहा। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों की मदद से ही सरकार चला रहे हैं। सत्ता में काबिज रहने के लिए वो भारत से संबंध बिगाड़ने पर तुले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा और भारत के संबंध अगर बिगड़ते हैं और इसका असर दोनों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ता है तो इसका खामियाजा कनाडा को ही उठाना पड़ेगा। वो कैसे, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बता दें कि कनाडा की सबसे बड़ी पेंशन फंड ने भारत में 1.74 लाख करोड़ का निवेश किया है। संबंध खराब होने की स्थिति में कनाडा का पेंशन फंड का निवेश बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिसका सीधा असर कनाडा के वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब होने की स्थिति में 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बता दें कि भारत कनाडा से कोयला, फर्टिलाइजर और दालें खरीदता है। संबंध खराब होने की स्थिति में भारत दूसरे देशों से भी ये चीजें खरीद सकता है। भारत की कंपनियां जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसकी वजह से कनाडा में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। बता दें कि 2022-23 में दोनों देशों के बीच 8 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ था। दोनों देशों का आयात और निर्यात लगभग बराबर रहा। अप्रैल 2020 से 2023 तक कनाडा ने भारत में लगभग 3,306 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। कनाडा भारत का 18वां बड़ा विदेशी निवेशक है। वहीं भारत की बात करें तो भारत कनाडा का 9वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। जाहिर है कनाडा की इकोनॉमी में भारत का रोल ज्यादा बड़ा है। कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की बात करें तो यहाँ 40% भारतीय हैं। अगर संबंध खराब होते हैं और ये छात्र कनाडा से वापस भारत लौट जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। वही कनाडा के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश भारतीय हैं। कह सकते हैं कि कनाडा की कृषि इंडस्ट्री की नींव भारतीयों ने ही रखी है। इसके अलावा कनाडा की जो कंपनियां भारत में हैं, उन्हें चाइनीज कंपनियों की तरह बायकॉट का डर सता रहा है। बता दें कि कनाडा की फूड चेन मैकेन और टिम हार्टन्स जैसी कंपनियों का भारत में बड़ा बिजनेस है। इन कंपनियों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं चाइनीज कंपनियों की तरह भारत इनका भी बायकॉट न कर दे। जाहिर है कनाडा और भारत के संबंध अगर और खराब होते हैं तो इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। भारत जहां दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वही कनाडा 9वें नंबर पर है। लेकिन भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का ऐसा मार्केट है जिससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहता। इस लिहाज से कनाडा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर कनाडा में खालिस्तानियों को यूं ही समर्थन मिलता रहा तो भारत सरकार का रवैया और सख्त हो सकता है, जिसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। और जाहिर है इसका खामियाजा भारत के मुकाबले कनाडा को कहीं ज्यादा उठाना पड़ेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।